नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे डिसिप्लिन रहने के लिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट शेयर किए हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। फर्स्ट पॉइंट हैव अ मॉर्निंग रूटीन। अगर हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना है तो हमें अपने दिन की शुरुआत जल्दी शुरू करने की आदत से करनी होगी। हम मॉर्निंग में जिस मूड से उठते हैं वैसा ही पूरा दिन हमारा जाता है। अगर हमारे दिन की शुरुआत बहुत अग्रेसिव वे में हुई है या फिर बहुत हैप्पी मूड में हुई है वैसा ही पूरा दिन हमारा जाता है। रात को थोड़ा जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठ करके हम पूरे दिन की बहुत सिस्टमेटिकली हैंडल करके अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन सिर्फ टायर्ड रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेजी रहेंगे अपने डे को लेकर के। कभी कभार डिसिप्लिन ना रहने का ये नुकसान होता है, हम उन इम्पोर्टेंट वर्क्स को भी टालना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चीज की हैबिट को डेवलप करिए, सुबह जल्दी उठने की, रेडी होकर के अपने वर्क को शुरू करके टाइम पर पूरा खत्म करने की। नाउ सेकंड पॉइंट क्रिएट एंड फॉलो योर रेगुलर रूटीन। देखिए, ये बोलना कि मैं कल से ये वर्क शुरू करूंगा, इसको कई दिनों तक कंटिन्यू करना ऐसे ही और डिले करते रहना, वो एक तरह से हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं डिसिप्लिन होकर के अपने पेंडिंग पड़े वर्क्स को पूरा करना, तो वो हमें एक रूटीन बना करके जितना जल्दी हो सके शुरू करना होगा। अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमें काम आज भी करना है और वो काम बाद में भी करना है, तो उसको डीले करे बिना आज से ही क्यों ना शुरू करे। एक कंप्लीट शेड्यूल रूटीन होने से हमें डेली मॉर्निंग में हमें ये नहीं सोचना होगा कि मुझे अब क्या करना है, वो मेरे सामने मौजूद होगा। एक कम्प्लीटली फॉर्म्ड शेड्यूल को क्रिएट करके हम और उसको फॉलो करके अपने आप को डिसिप्लिन रख करके किसी भी पेंडिंग पड़े वर्क को पूरा कर सकते हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा है। नाउ थर्ड पॉइंट स्टार्ट स्मॉल एंड जस्ट डू इट। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट की तरह अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम किसी एक एक्टिविटी को लाइफस्टाइल में डालने का इतना सोचते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस, रुकावटें, परेशानियां किसी भी फॉर्म में हमारे माइंड में पैदा हो जाती हैं। हम अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह से लोड कर लेते हैं जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, काम तो स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और एक टाइम बाद उस एक्टिविटी को डिले करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हम हर हैबिट को अडेप्ट करने के टाइम पर करते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसा हम अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे किसी भी सिचुएशन को विजन करने के लिए, वैसे ही हमारा माइंड रिएक्ट करेगा किसी भी सिचुएशन में। इसलिए अगर हम चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी को हैबिट की तरह अडेप्ट करना, तो हमें उसे जिस दिन डिसाइड करा है किसी भी हैबिट को अडेप्ट करने के बारे में, उसे उसी दिन स्टार्ट करना चाहिए। हमारा माइंड एक नेचुरल कंप्यूटर है, जैसा हम चाहते हैं उसको ऑपरेट करना वैसे ही वो डेवलप होगा। जब हम किसी हैबिट को अडेप्ट करने के बारे में सोचते हैं तब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसमें थोड़ा पेन छुपा है, जो कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है जिसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो अपने आप को खुद कंट्रोल करेगा। एक एडवांस कंप्यूटर है तो वो उस एक्टिविटी को ना करने के लिए 10 रीजन ढूंढ लेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हैबिट को अडेप्ट करना अपने लाइफस्टाइल में, तो हमारा माइंड आज इसको करने के लिए भी 10 रीजन खड़े कर देगा। इसलिए किसी एक्टिविटी को आज ही स्टार्ट करिए और छोटे लेवल पर स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सुबह थोड़ी सी जंप्स करने से शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल बट डू टुडे। नाउ फोर्थ पॉइंट फाइंड एंड ब्रेक दोस हैबिट दैट डिस्ट्रैक्ट यू। अपने आप को डिसिप्लिन हैबिट की तरफ बढ़ाना और उसको कंटिन्यू करना बहुत लंबी दूरी तक थोड़ा मुश्किल है। अगर हमारी हैबिट्स रिलैक्स होकर के टीवी देखने की या लंबे टाइम तक सिर्फ मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की है, अगर ऐसा है हम ज्यादा देर तक डिसिप्लिन नहीं रह सकते। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, हम कोई ना कोई रीजन दे करके उस एक्टिविटी को करना शुरू कर देंगे जो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है किसी भी वे में हमारे लिए। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कौन सी हैबिट हमारे लेजी होने का कारण है, उसको खत्म करके अपने लाइफस्टाइल से इन टर्म्स ऑफ उन हैबिट से सुधार सकते हैं जो बुरी है हमारे लिए। हमें हमारी हैबिट्स ही बनाती हैं, उन हैबिट्स को खत्म करने में एफर्ट्स भी लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में अवेयर तो है। बुरी हैबिट्स को फाइंड आउट करके अपने लाइफस्टाइल से पूरी तरह से रिमूव करके डिसिप्लिन रह सकते हैं एंड लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट अटैच इमोशनली। अगर हम किसी एक्टिविटी से इमोशनली अटैच हैं, कोई ऐसी मोटिवेशन है
जो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो उसमें हमें किसी टास्क को पूरा करने के लिए पुश कर रही है, तो हम किसी भी फियरफुल सर्कमस्टेंस में बिना कोई अननेसेसरी रीजन बनाए हैबिट को अडेप्ट कर सकते हैं। किसी भी हैबिट को अडेप्ट करने के बारे में सोचने से उसको अडेप्ट करने के लिए उसमें एड करने में अगर हमें ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारा माइंड एक्ट ना करने के लिए रीजन बिल्डअप कर देगा। लेकिन अगर हम उस चीज से इमोशनली अटैच हैं, एक मोटिवेशन है जो बहुत पावरफुल है, हम ज्यादा ना सोच करके उस पर एक्ट करना शुरू कर देंगे। एक रीजन का होना किसी भी हैबिट के बिहाइंड, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हम उस हैबिट को डेवलप करने में सक्षम हो सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।